नमस्कार दोस्तों, फ्री डिश रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उसी तरह दोस्तों, बारिश का मौसम चल रहा है और हमारी जो एलएमबी टूट जाती है, फूट जाती है, फट जाती है, तो क्या हमारा एलएमबी ख़राब हो जाता है? इस वीडियो को दोस्तों पूरा वीडियो आप देखोगे तो आप काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ बात करते हैं दोस्तों एलएमबी टूट जाती है, फट जाती है, तो उसमें दोस्तों पानी चला जाता है। बारिश के मौसम में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी एलएमबी टूटी है, फूटी है, तो दोस्तों उसकी सेफ्टी आप कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके एलएमबी में एक बार पानी चला गया तो दोस्तों आपके एलएमबी बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एलएमबी दोस्तों पानी से शॉर्ट हो जाती है। एलएमबी में दोस्तों करंट की बात करते हैं तो 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक करंट जाता है, और इसी करंट की वजह से दोस्तों अगर आपके एलएमबी में पानी भर जाता है या फट जाती है तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट होता है और आपकी एलएमबी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपका एलएमबी टूट जाए, फूट जाए, तो उससे दोस्तों आप उसकी सेफ्टी कर सकते हैं। आपके एलएमबी पे दोस्तों पॉलीथीन बांध सकते हैं, या कोई बोतल या कुछ प्लास्टिक का डिब्बा काट के आप उस पर ढक सकते हैं। उससे दोस्तों एलएमबी के सिग्नल्स वीक नहीं होंगे और आपकी जो एलएमबी है प्रॉपर काम करेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पॉलीथीन बांध दिया तो आपके एलएमबी ख़राब हो जाएगी। मैन होता दोस्तों एलएमबी ख़राब कब होती है, जब एलएमबी के अंदर पानी चला जाता है या कुछ जंग लग जाता है तो आपकी एलएमबी शॉर्ट हो जाती है। तो सिंपल सा तरीका है दोस्तों, आपके एलएमबी फट जाए, टूट जाए, तो दोस्तों उसे फेंकना मत। उसे दोस्तों आप पूरी सेफ्टी से कर देना, आगे के फ्रंट को पूरा सेफ्टी से पैक कर देना है, तब जाके दोस्तों आपकी एलएमबी प्रॉपर तरीके से काम करेगी। अगर उसमें थोड़ा सा भी जंग लग गया, थोड़ा सा भी पानी चला गया, तो दोस्तों आपकी एलएमबी शॉर्ट हो जाएगी। तो सिंपल वीडियो है दोस्तों एलएमबी बचाने का। बारिश का मौसम अभी चल रहा है, कई एलएमबियाँ ख़राब होती है, और बारिश के मौसम में दोस्तों एलएमबी ज़्यादा ख़राब होती है। यही रीज़न होता है, एलएमबी में थोड़ा सा पानी गया और आपका एलएमबी ख़राब हुआ। तो दोस्तों एलएमबी ख़राब होने से बचाने के लिए आपके एलएमबी पे ऊपर पॉलीथीन वगैरह पूरा सेफ्टी कर दीजिए, ताकि आपके एलएमबी बिल्कुल सेफ रहे। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था एलएमबी बचाने के लिए, कि कमेंट आया था कि हमारा एलएमबी फट चुका है, टूट चुका है, वो क्या ख़राब होने से हम कैसे बचाएं। तो सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको दे दी है। अगर आपका एलएमबी टूट जाता, फूट जाता, तो उसकी सेफ्टी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है दोस्तों एलएमबी ख़राब हो जाए, एलएमबी तब ख़राब होगी, उसमें पानी चला जाएगा, एलएमबी शॉर्ट हो जाएगी, तब दोस्तों एलएमबी ख़राब होगी। टूटने से, फूटने से एलएमबी कभी ख़राब नहीं होती है। एलएमबी का ढक्कन टूट जाए तो एलएमबी ख़राब नहीं होती है। मैन उसकी पानी से जंग लगने से पूरी सेफ्टी आप करो, आपके एलएमबी बिल्कुल फ्रेश रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना, कुछ आपके सवाल हैं, तो मुझे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।